7:06 हो गए हैं, अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है। ये श्रीमान तो अभी बिस्तर में ही है। अरे क्या करें भैया, ठंड के मारे जमे पड़े हैं। सही है। चलो भाई चाय पी ले, फिर कुछ सोचेंगे। अगर बारिश बंद नहीं हुई ना आज पूरे दिन, तो बस कमरे में पड़े रहेंगे भाई। हे क्या करें भैया, गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। शिमला में आज हमारा तीसरा दिन है। खैर, परसों तो हम शाम को लेट तक पहुंचे थे, कल हम शिमला घूम पाए, और आज हम शिमला से कुल्लू होते हुए मनाली पहुंचेंगे। गाड़ी वाले भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना ही बेटर रहेगा शिमला, ओ मनाली पहुंचने के लिए, क्योंकि मनाली का रास्ता यहाँ से 8 से 10 घंटे का है। बीच बीच में हम साइड सीन भी करते हुए जाएंगे। अभी तो हमने सामान ही पैक नहीं किया है, सामान ऐसे ही पड़ा है, और बैग वैग वहाँ रखे हैं सब। तो जल्दी से सामान पैक कर लेते हैं। 8 बज गए हैं, 8:30 बजे का हमने टाइम दिया है, तो आधे घंटे में यहाँ से बैग वैग पैक करके हमें बाहर पहुंचना है मेन रोड पर। गाड़ी नीचे आ गई है, और यहाँ से सामने का जो व्यू है ना, बहुत ही अल्टीमेट, क्योंकि रात भर बारिश हुई उसके वजह से ना धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ से हम गाड़ी पकड़ेंगे नीचे से, और यहाँ पे आप सीन देखिए, एकदम अल्टीमेट, ऐसा लग रहा है जैसे बादल जो है घरों को छू रहे हैं। चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग भाई साहब। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। बैग डाल दीजिए उसमें। भैया आगे बैठिए आप तो। हाँ यार आगे बैठूंगा, चक्कर कम आएंगे आगे बैठूंगा तो। नेशनल हाईवे नंबर 205 है, जो कि शिमला से मनाली के लिए जा रहा है। यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है, क्योंकि यहाँ से जो सीन बन रहा है ना, बहुत ही गजब का है। बादल देख रहे हो, एकदम पहाड़ों को छू रहे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे से गांव हैं शायद। ये मुश्किल से 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और अभी से मुझे चक्कर आने लगे हैं कुछ, तो अभी खाली पेट है इसलिए चक्कर आ रहे हैं। सुबह से हमने मात्र 1 कप चाय पी है, और अभी हमें ये जगह है केड़ी घाटी, यहाँ पे पीछे छोटी सी पहाड़ी है। और वैसे भी हिमाचल तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। और भाई साहब बता रहे थे कमल भैया कि यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं। छोला भटूरा रेस्टोरेंट के ठीक पीछे भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला है। 5 मिनट्स लेटर रेस्टोरेंट के ठीक पीछे भी बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ फॉग। फॉग तो खैर हम कल से देखते आ रहे हैं, जब से आए तब से फॉग मिट ही नहीं रहा है। फॉग की वजह से हमारे कुछ वीडियो भी अधूरे रह गए। जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मौसम साफ होता जा रहा है। अभी देखिए धूप निकल रही है, और हमने सारे गर्म कपड़े भी उतार दिए। यहाँ पे हम रुके हैं 5 मिनट के सुसु ब्रेक के लिए। सफर करते हुए हम बिलासपुर ज़िले में पहुँचे हैं, 1:08 हुआ है, और बिलासपुर ज़िले के घाघस के पास हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बहती है, नदी का नाम है सतलुज नदी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऊँचे ऊँचे पर्वत, पर्वतों के पास से गुजरता हुआ है रोड, और रोड के जस्ट पास में यहाँ पर कल कल बहती हुई नदी। शायद आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन हम आवाज़ को धीमा धीमा सुन सकते हैं। स्प्राइट ना मिलेगा तो फिर ड्यू ले आओ, ड्यू ले आओ, फिर इनके पास है ही नहीं। तुम तो करे भी ड्यू है, ठंडी नहीं है मतलब। चलो आगे चलो, ठंडी नहीं है भाई। बैठो यार, अरे बैठो यार, आगे मिल जाएंगे दुकान बहुत। ठंडा होने के लिए पीते हैं या गर्म होने के लिए पीते हैं? हम सुंदर नगर पहुंच गए हैं। ये सुंदर नगर है, देखिए कितना सुंदर है, और सुंदर सुंदर नज़ारे हम आपको आगे दिखाएंगे सुंदर नगर के। फिल्मों में आपने सुंदर नगर का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग सुंदर नगर में की गई हो। सुंदर नगर कस्बा को क्रॉस करते ही यहाँ आप देखेंगे सुंदर नगर लेक।
ये किसी नहर से जुड़ी हुई है, वहीं से इसमें पानी आता है। और इधर सुंदर नगर कस्बा है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच में बसा हुआ है। यहाँ कुछ मिल तो गया, क्या मिला भाई? ये तो तुम्हारा पानी है। अच्छा पकड़ो इसको, ये नीचे वो है ना गीला, लाओ। और ये है तुम्हारा माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू डर के आगे पता कैसे दिया? हाँ। एक लीटर का, एक डर के आगे जीते। गिलास भी सही है यार, काफी बड़े गिलास लेके आये हो। 3 रुपए का एक गिलास है। 3 रुपए का एक? हाँ, जितना बड़ा उतना ही बड़े पैसे। ऐसी तैसी कराऊ, 9 रुपए गिलास हो गए। मुझे लगे गिलास भरते ही ना हो। 3 हजार इंजीनियर्स लगे हुए हैं पहाड़ को बांधने में। और ये यहाँ पे एकदम आम बात है, देखिए यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, कचरे को भर के ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक साइड से रोड भी बंद करना पड़ता है। पंडोह डैम के जस्ट पास है हम, यहाँ से मनाली करीब 80 किलोमीटर दूर है। ये ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, यहीं पर हमने गाड़ी पार्क की है। इधर गाड़ी की जस्ट पीछे 4 तंबू में बम्बू लगे हुए हैं। ये बम्बू किस काम के लिए यहाँ पे गाड़े गए हैं कोई पता नहीं हमें। इसके जस्ट पास में यहाँ पे ये है एक गहरी खाई, उतर के देखूं? अरे ना, रहने देता हूँ। देखिए गाड़ी कितनी नीचे चल रही है। ये यहाँ पे पूरा डैम बना हुआ है, बहुत ही शानदार, पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पर मिट्टी सी इकट्ठी हो रही है। ये मिट्टी है या फिर कुछ और है? शायद मिट्टी ही है। डैम में लगता है पानी कम है। वहाँ पे डैम कंट्रोलर, वहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है। इधर ये व्यास नदी बह रही है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीचों बीच से झरना बह रहा है। और झरने का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। झरने में जो पानी बह रहा है वो एकदम स्वच्छ है, लेकिन ये पानी नदी में मिलके एकदम मटमैला हो गया। नदी का पानी भी मटमैला है, पीछे से मिट्टी जैसा पानी आ रहा है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। इसलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना तो जाम सा लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जाम लग गया था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। अभी पहले गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, लेकिन जाम की वजह से गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ा। आप जो सुरंग देख रहे हैं ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है, ये पूरे 4 किलोमीटर की सुरंग है। शाम के 5 बज गए हैं, सुबह से हमने बस ब्रेकफास्ट किया था, अभी हम लंच के लिए रुके हैं। यहाँ हमने दाल मखनी लिया है और चपाती। और यहाँ से अभी कुल्लू 20 किलोमीटर दूर है और कुल्लू से मनाली है फिर 40 किलोमीटर दूर, मतलब अभी करीब 60 किलोमीटर का हमारा रास्ता है। बाल्टी में तो आज पहली बार हमें दाल मिली है। आपने कभी देखा ऐसा बाल्टी में? कहाँ? हैदराबाद। शाम के 6 बज गए हैं और आप जो सिटी देख रहे हो ये कुल्लू है, कुल्लू सिटी। कलकल बहती हुई इस नदी के जस्ट किनारे यहाँ पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है। लिखा हुआ है श्री महादेवी तीर्थ वैष्णो माता मंदिर कुल्लू।
इस मंदिर को बहुत ही फेमस मंदिर बताते हैं, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते, ड्राइवर भैया बता रहे थे कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। 15 minutes later। वाकई में मंदिर बहुत ही बढ़िया है, पहाड़ को काट काट करके अंदर बहुत ही शानदार मंदिर बनाया हुआ है। 20% डिस्काउंट बंद होने वाला है, उससे पहले आएंगे। ये स्वेटर लिया है मैंने पिताजी के लिए। अवन भाई ने 200 लिए हैं, एक इनका स्वेटर है, एक ये मैंने लिया है, और ये एक मेरी शॉल है। इस शॉल में कढ़ाई बहुत बढ़िया है, मम्मी के लिए ली है मैंने शॉल। ये मम्मी के लिए, ये पिताजी के लिए। कुल्लू में हमको रात हो गई, ये विमला शॉल। यहाँ से हमने शॉल ही शॉल के चक्कर में बहुत सारा सामान ले लिया, 10,000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग हो गई आज हमारी। वो तो कहते हैं कि कुल्लू भी शॉल मतलब फेमस है, पश्मीना वही तो बोलते हैं। तो फाइनली हम मनाली पहुंच गए हैं। ये मनाली का मार्केट है, बाहर से दिखाता हूँ। मनाली में हम 2 नाइट रुकने वाले हैं, तो हम रुकेंगे होटल ग्रीन पार्क में। यहाँ पर रिसेप्शन, लेकिन अभी यहाँ पर कोई है नहीं। तो फर्स्ट फ्लोर पर ही हमारा रूम है, यहाँ से अंदर चलेंगे। जब हम शिमला में रुके थे वहाँ भी हमारा 206 नंबर रूम था, यहाँ भी 206 नंबर रूम है। अविन भाई कितना नंबर रूम है ये? 206 नंबर है। और वहाँ पे भी 206 नंबर था शिमला में भी। गजब का कॉम्बिनेशन है ना भाई साहब। एक बार हमें पता है हम आ गए थे ना ऊटी, हाँ वहाँ पे भी गजब का कॉम्बिनेशन था। 104 नंबर। 104 नंबर पता है क्या जगह मिला था हमें? बैंगलोर फिर मैसूर और फिर उसके बाद ऊटी। 104 नंबर मिला, और यहाँ पे हमें 206 नंबर मिल रहा है शिमला से ही। इस बार 206 नंबर है। गजब का कॉम्बिनेशन होता है हमारे साथ। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। खाने के लिए कुछ देख रहे हो? अब भैया देखो आए हैं यहाँ पे तो खाना पड़ेगा, पहले खाने का ही देखते हैं। चलो हम जब तक रूम टूर का आते हैं, रूम कैसा हमारा। ठीक, मेन गेट से एंट्री लेते ही लेफ्ट हैंड में यहाँ पे बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है यार, गोदरेज की अलमारी है। इसमें हमने बैग और कपड़े वगैरह रख दिए। तो यहीं से मैं आपको पूरा रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपन भाई ये सिस्टम बढ़िया है, 2 कुर्सी है, टेबल है, हाँ ये आराम से कुर्सी पर बैठ के खाना खा सकते हैं। और इधर ये हमारा बेड। एक चीज बताई तुमने लोगों को? हाँ, कि ये जो अपना रूम है ना पूरा लकड़ी का बना हुआ है। हाँ दिखाएंगे ना भैया, इसकी छत तो जो भी है ना सब लकड़ी की है। ऐसा ही मुझे लग रहा था काफी देर से। नीचे से होटल नहीं देखा क्या? हाँ पूरा लकड़ी का होटल है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। होटल ही लग, हाँ यार इसकी रूफ देखो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, उधर भी लकड़ी लकड़ी है यार पूरी। बजा के देखो। सही कह रहे हो यार, ऐसा तो ना कि लकड़ी की प्लाई लगी है उस पे। लेकिन पता नीचे से ऐसे लग रहा था कि हाँ लकड़ी का ही बना हुआ हो सकता है, या फिर लकड़ी की प्लाई हो यार, ऐसा भी हो सकता है। ये बाकी लकड़ी है वैसे तो, बज रहा है ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों का सेट बनाते हैं ना। तो फाइनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई है जुकाम की वजह से, आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा छींकें आई, अभी गले में खराश हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख की वजह से। लेकिन खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। दोपहर ही मन नहीं कर रहा था तो एक एक गिलास हमने ड्यू पी ली, उसके बाद थोड़ा सा मन किया। अभी अबिन भाई मीनू बार चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ मंगाना है क्या नहीं। सुरेंद्र भाई हाँ, एक काम करते हैं पहले हम लोग मेडिकल चलते हैं तुम्हारे लिए दवा लेके। वही मैं कहने वाला था, उसके पहले बाद हम खाना पीने की देखें। पहले मेडिकल चलते हैं दवा लेके आते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अब कल भी हम रोहतांग पास जाने वाले हैं, और वहाँ तो ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और हमारे तो वैसे ही सांस की कमी हो रही, पता नहीं वहाँ जाके हमारी क्या हालत होने वाली है। होटल से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे मिशन अस्पताल लिखा हुआ है, इधर साइड में है, और इधर गवर्नमेंट स्कूल है, मनाली बाज़ार जिला कुल्लू। देखते हैं मेडिकल कितना दूर मिलेगा, यहाँ रोड पे रेहड़ी लगी हुई है। रात के 9 बज गए हैं, और हमारा डेली व्लॉग सुबह 9 बजे आ जाता है, लेकिन कल जो हमने व्लॉग शूट किया था वो आज सुबह 9 बजे आने वाला था, नेटवर्क की वजह से रात को 9 बजे हमने उसको पब्लिक किया है, क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाई थी। 10:45 पौने 11 बज गए हैं रात के,
अब भी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अभी खाना खा के बस रूम पे पहुंच जाइए, तो अभी मैं ब्लॉग एडिट नहीं करूंगा। अब ये जो ब्लॉग शूट कर रहा हूं, पता नहीं कब एडिट होगा और कब इसको हम अपलोड करेंगे, तो देखते हैं कल क्या सीन रहता है, कल कैसा ब्लॉग बनता है, क्या होता है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।